हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर डेंटल कैरीज को हम कवर करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। वो वीडियो देखना हो तो ऊपर सर्च बॉक्स में जाके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग आगे कंप्यूटर लिख देना, वीडियो आ जाएगी, देख लेंगे। तो चलिए इसे कवर करते हैं। डेंटल कैरीज को समझने से पहले हम लोग टूथ का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दांतों का स्ट्रक्चर होता क्या है? तो स्टार्टिंग का जो हमारा दांत होता है उसको बोलते हैं इनेमल। स्टार्टिंग का जो पार्ट ये आपको दिख रहा होगा व्हाइट, इसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल जो होता है हमारा बोन का, हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है। सबसे ज्यादा ये हमारी बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड मतलब ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इनेमल क्या होता है? हमारा हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है। इनेमल क्या होता है? डेंटाइन। डेंटिन जो होता है हमारा बोन जैसा ही होता है, ये हार्डेस्ट नहीं होता है, मतलब ये बोन जैसा होता है। इसके बाद आता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी मतलब यहाँ पे होता है थोड़ी सी नर्व इम्पल्स, ब्लड वेसल्स, ये नर्व वगैरह ये सभी यहाँ पे होती हैं। पल्प कैविटी मतलब यहाँ पे थोड़ा होता है होल एरिया का, खाली टाइप होता है। इसके अंदर सारी हमारी नर्व्स जो हमारे नीचे मसल से जुड़ी होती है, सारी नर्व्स ब्लड वेसल्स जो हमारे ब्लड को कैरी करते हैं, एनर्जी के लिए लेके आते हैं, यहाँ पे सब कुछ होता है। तो ये होता है हमारा टूथ का स्ट्रक्चर। इसके बाद समझते हैं हम लोग कैविटी। कैविटी क्या होता है? तो कैविटी का मतलब होता है होल बन जाना हमारा, होल या फिर स्मॉल स्पेस बन जाना हमारे इनेमल के अंदर, डेंटाइन के अंदर, हमारे टूथ के अंदर, बेसिकली हमारे दांत के अंदर छोटे छोटे होल्स बन जाना, इसे बोलते हैं कैविटी। जैसे हमारा ये है, ये हमारा इनेमल था, यहाँ पर छोटा सा कोई होल बन गया। किससे बना? एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, वही बताएंगे भी आगे। ये होल बना तो इसी को क्या बोलेंगे? कैविटी। अभी इतना है, इसके बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, इसके बाद और बढ़ जाता है, नीचे तक आ जाता है, तो यही होता है हमारा कैविटी। तो डेंटल कैरीज मतलब होता है, डेंटल कैरीज का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन आर टूथ ड्यू टू दी एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। किसकी वजह से? एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। और एक चीज और, एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर। अगर हम अच्छे से अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे तो भी वहां पे होल्स बन जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन आवर टूथ ड्यू टू द एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इसको हाईलाइट कीजिए, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर। जैसे कि कभी भी हम क्या करते हैं, हम लोगों को बड़ा शौक होता है चॉकलेट्स खाने का, मीठी चीजें खाने का, तो होता क्या है उसके अंदर होती है शुगर। वो जब हम लेते हैं, हम लोग जब कभी भी उसको खाते हैं, जैसे हम लोग चॉकलेट खाई, तो चॉकलेट क्या हो गया, हमारे दांतों के अंदर ले जाती है, थोड़ी सी यहाँ पे साइड में फंसी हुई रह जाती है, यहाँ पर इन पार्ट्स के अंदर। तो होता क्या है, उसके अंदर थोड़े थोड़े शुगर पार्टिकल्स होते हैं, हमारे माउथ के अंदर होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। हम लोग एयर जब माउथ ओपन करते हैं तो एयर के जरिए भी कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो शुगर के ऊपर जाके करते हैं एक्ट करते हैं। तो शुगर के ऊपर एक्ट करने के बाद, जैसे मान लीजिए हमारा कोई शुगर का पार्टिकल था, वो शुगर का पार्टिकल यहाँ पे रखा है, अब बहुत सारे एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, क्या एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसके ऊपर आके एक्ट करने लग जाते हैं, वो एसिड से एसिड बनाते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड तो हर चीज को गला देता है, तो एसिड क्या होता है, इसको तो खत्म कर देता है इसके ऊपर, लेकिन साथ में फिर वो यहाँ पे भी एक्ट करने लग जाता है। तो ये जो हमारी इनेमल थी, इनेमल के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, तो इनेमल का इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। जो इनेमल होती है वो थोड़ी सी डिग्रेड होने लग जाती है, डीके होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे ऐसे होल बन जाता है। स्टार्टिंग थोड़ा होता है, नहीं पता चलता, फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये और ज्यादा बनने लगता है, फिर ये और बनता है, ऐसे बनता जाता है। तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ये थोड़ा अंदर की साइड पहुंचता है, जैसे ये यहाँ तक आ गया, अब क्या होता है, इसके अंदर एसिड तो पहले से ही था, एसिड यहाँ पे जाता है, यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स होते हैं, उनके साथ
एक्ट करता है, एसिड गया हमारा यहाँ तक नर्व के साथ, नर्व को थोड़ा सेंसेशन देता है जिसकी वजह से हमारे दांतों में होता है काफी ज्यादा दर्द। फिर हम मम्मी से बोलते हैं मम्मी हमको दवाई दो दवाई दो। पहले तो हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर डेंटल केयर करते हैं। अगर हम अच्छे से ब्रशिंग करते हैं, अपने दांतों की सफाई रखते तो क्या ये होता, चॉकलेट्स नहीं लेते तो क्या ये होता, नहीं। पहले क्या करते हैं हम लोग सारी चीजें लेंगे, सुगरी प्रोडक्ट्स लेंगे, फिर जब हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उसको एक्ट करके हमारे दांतों को खराब कर देते हैं, फिर बोलते हैं हमको दवाई चाहिए दवाई चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, अगर हमको ये बचाना है तो हमको अपने डेंटल केयर अच्छे से करनी होगी। ये सभी होता है इसके अंदर। और मेन चीज क्या होती है, हम जब कभी भी खाना खाते हैं तो उसके बाद अपने दांतों को अगर हम सुबह शाम अच्छे से साफ करें तो नहीं होती है, अगर नहीं करते हैं तो हमारा बन जाता है प्लैक। प्लैक देखिए क्या होता है, देखते हैं प्लैक क्या होता है। PLAQUE, प्लैक। प्लैक का मतलब कभी कभी ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, ब्रश सुबह उठे ब्रश नहीं की, काफी बच्चे होते हैं जो ब्रश नहीं करते हैं, सुबह उठते हैं उन्होंने ब्रश नहीं की, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारे दांतों के ऊपर एक हल्की सी येलो सी स्टिकी लेयर बन जाती है, येलो इस लेयर कभी ऑब्जर्व करना, तो वो येलो इस जो लेयर बन जाती है उसी को बोलते हैं प्लैक। अगर वो लेयर देखिए, पहले द फॉर्मेशन ऑफ येलो इस स्टिकी लेयर ऑन आर टूथ, जो फॉर्मेशन होता है येलो स्टिक लेयर का टूथ के ऊपर उसी को बोलते हैं इज कॉल्ड प्लैक। फॉर्मेशन छोड़िए, फॉर्मेशन नहीं, द येलो स्टिकी लेयर ऑन अवर टूथ इज कॉल्ड प्लैक। अब होता क्या है, हमारे टूथ का इतना तो काम हो गया, हमारे डेंटल कैरीज लग गई, डेंटल कैरीज क्या हो गया, एसिड जाने लगा, यहाँ पे हमारे दर्द होने लगा। अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एक येलो इस लेयर यहाँ पे चढ़ जाएगी। येलो इस लेयर क्या होगी, इसके ऊपर एक येलो लेयर हमारे चढ़ गई। येलो लेयर किसकी चीज की थी, ये फूड पार्टिकल्स की थी, फूड पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं तो वही चीज वहां पे चढ़ गई है कि येलो इस लेयर पीली सी परत बन गई। अब होता क्या है, हम जानते हैं हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, सलाइवा का नेचर होता है एल्कलाइन, इतना याद रखना, सलाइवा का नेचर क्या होता है एल्कलाइन। अब आपको पता होगा एसिड प्लस बेस, एल्कलाइन मतलब बेस, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं आपस में। अब हमारा बॉडी के अंदर यहाँ पे तो एसिड आ गया, लेकिन अगर ये हमारे जो प्लैक है ये कवर करके रखेगी तो हमारे सलाइवा के अंदर जो बेस होता है क्या वो यहाँ तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे डेंटल प्लैक थी, सॉरी यहाँ पे प्लैक थी। और प्लैक क्यों आई, क्योंकि हमने ब्रश नहीं किया अच्छे से, हमने खाने को ऐसे ही ले लिया था, सारा कुछ वापस जमा हो गया खाना खा रहा, ये येलो सिस्टिक क्लियर बन गई। क्यों बनी, क्योंकि इनप्रॉपर डेंटल केयर थी। तो यहाँ पे ये बन गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, माउथ में जो सलाइवा था वो यहाँ तक नहीं पहुंचा। अगर सलाइवा यहाँ तक पहुंच जाता, इन होल्स के अंदर पहुंच जाता तो क्या होता, सलाइवा के अंदर होता है बेस, बेस और यहाँ पे एसिड पहले से है ये, तो बेस और एसिड मिलकर क्या कर देते, उसको न्यूट्रलाइज कर देते और ये जो कैविटी थी वो वहां की वहीं रुक जाती और धीरे धीरे करके ये सही हो जाती। हमारी बॉडी का फंक्शन यही होता है अपनी रिपेयर करना, तो इसको रिपेयर कर लेती हो धीरे धीरे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे बन गई प्लैक, प्लैक की वजह से इसके अंदर एसिड नहीं, वो सॉरी बेस नहीं पहुंच पा रहा था एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हमको बेटर यही रहेगा कि अगर हम अपने दांतों को साफ करते रहें अच्छे से, प्रॉपर डेंटल केयर करें, बिना ब्रश के कुछ खाएं नहीं, तो हमारी प्लैक का फॉर्मेशन होगा नहीं। दो टाइम ब्रश करें सुबह शाम, खाने के बाद और खाने से पहले, तो ये चीज हमारी फॉर्मेशन होगा ही नहीं। जब ये फॉर्मेशन नहीं होगा तो अच्छे से हमारे जो सलाइवा होते हैं वो अच्छे से इसके ऊपर जाके एक्ट करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, हमारी बॉडी अच्छे से, हमारे टूथ अच्छे से काम करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर वीडियोस चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच।